महाराजगंज के जिला अस्पताल में प्रसव पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। ये मामला जिला अस्पताल का है। बता दें आपको कि प्रसव पीड़ित महिला की ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ गई। वार्ड में भर्ती महिला दर्द से कराहती रही। परिजन ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर को फोन कर बुलाने का प्रयास करते रहे, लेकिन महिला डॉक्टर नहीं आई, जिसके बाद से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सीएमएस ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच कार्रवाई की जा रही है। जब वो सीरियस होने लगी, पेट में उसका दर्द लगा होने जो ऑपरेशन था, तो वहाँ जो बैठे थे स्टाफ नर्स वगैरह, उन लोगों से कहने पर जो है कोई सुनवाई नहीं। तो हम कहे भाई बहुत दर्द हो रहा है, उसकी माँ भी आई है, तो उनकी माँ भी कही, हमारी औरत भी कही सुन ली पल। उसके बाद जो है जाने के बाद वो कही कि जो है बाहर से दवा ले आइए। मैं बाहर से जो है इंजेक्शन खींच के ले आया और इंजेक्शन लगाया गया। लगाने के बाद जो है फिर भी जो उसका दर्द सही नहीं है, फिर भी उसका दर्द सही नहीं है। उसके बाद जो है डॉक्टर साहब को फोन लगाया गया, फोन लगाते लगाते बुलाते बुलाते हम लोग थक गए। आई नहीं, दो घंटा हो गया आई नहीं। मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर वो आ गई होती तो मेरी बहू बच गई होती। ये एकदम इलाज में लापरवाही डॉक्टर की, इलाज का एकदम 100%। एक महिला जो है शहर बानो, जो कल जिनका हमारे यहाँ सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ था करीब दोपहर में 2:30 बजे, वो आज शाम को इनका पेट में दर्द होने के बाद करीब 8 बजे देहांत हो गया। और इस केस की जांच शुरू कराई जा रही है, जांच के बाद ही रिपोर्ट।